तो दोस्तों ये है अगला कॉन्सेप्ट टाटा मोटर्स की तरफ से। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है बल्कि ये आइस वर्जन है, ये पेट्रोल इंजन के साथ आता है। कॉन्सेप्ट वर्जन है अभी, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें कहा जाता है कि आ रहा है, मगर इसका प्रोडक्शन वर्जन कब आएगा वो कुछ ही दिन में हमें पता चलेगा। मेरे हिसाब से 2024 या 2025 तक आ सकता है। तो आप इसको, आपको इसका मैं डिज़ाइन दिखा देता हूँ। स्पेशली सबसे पहले तो ये SUV कूपे की तरह प्रमोट की जा रही है टाटा की तरफ से। मैं इसका फ्रंट डिज़ाइन दिखा देता हूँ, काफ़ी अतरंगी ग्रिल है। आइस वर्जन है तो ऑब्वियसली ग्रिल इसमें प्रॉपर आएगी प्रोडक्शन वर्जन कार में। काफ़ी स्लीक सी हेडलाइट्स हैं, और हेडलाइट तो ये है मगर ये इसकी DRLs हैं, और ये इसका बॉनेट है, स्कल्प्टेड बॉनेट है। काफ़ी मस्कुलर लुक इसमें दिख के आता है। ये इसके अलॉयज़ काफ़ी शानदार, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वर्जन है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन वर्जन में छोटे ही आएंगे। ये इसके अलॉय व्हील्स हैं, और मैं साइड प्रोफाइल से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये SUV कूपे इसमें शेप है प्रॉपर, जैसा BMW X6 में आपने देखा होगा या X4 में देखा होगा। तो ये साइड प्रोफाइल SUV कूपे की तरह इसमें आपको यहाँ दिखेगी। पीछे की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल स्लोपिंग रूफ है सामने से। ये पूरा एक हैच है जो पीछे से आके टेलगेट में जुड़ता है। ये इसकी LED स्ट्रिप्स हैं, और कर्व है इस गाड़ी का नाम। प्रोडक्शन वर्जन भी मेरे हिसाब से कर्व ही ये लोग रखेंगे नाम इस गाड़ी का। आइए जल्दी से एक झलक इंटीरियर की भी देख लेते हैं। तो इसमें एक डिजिटल स्टेयरिंग व्हील आएगा जिसमें टाटा लोगो लिट अप है, इल्यूमिनेटेड है। डैशबोर्ड भी ऑल डिजिटल है, साथ ही साथ जो स्क्रीन दिया गया है वो भी बड़ा है और डिजिटल है। आप बीच में देख सकते हैं इसका गियर सिलेक्टर और नॉब, काफ़ी अतरंगी लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट वर्जन है। इसके आप सीट बेल्ट के बकल्स भी देख लीजिए तो बहुत ही डिफरेंट है। रेड और ब्लैक इंटीरियर जो है इसमें दिखाया गया है। ये देख लीजिए पूरा इसका डिज़ाइन कैसा है। ऊपर पूरा पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं है मगर फिक्स्ड रूफ लग रहा है जो पूरा ग्लास का बना हुआ है। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है। और ये गाड़ी आएगी पेट्रोल इंजन के साथ, ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स आएगा अभी बताया जा रहा है, मगर मैनुअल गेयर बॉक्स भी आ सकता है। तो कैसी लगी इसकी डिज़ाइन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।